नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे और अपने समय का सदुपयोग समझदारी से करेंगे। बच्चों, मैं पूजा चावड़ा आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो मुझे बताइए बच्चों कि आपने पिछली वीडियो में कौन सा व्यंजन सीखा था। यस, आपने पिछली वीडियो में व्यंजन द लिखना सीखा था और आज हम व्यंजन ध लिखना सीखेंगे। बच्चों देखिए, ध धनुष, ध धनिया, ध धनुष, ध धनिया। देखिए बच्चों, यह है आपकी हिंदी की रीडिंग बुक है। आपको इसमें पेज नंबर 45 ओपन करना है और इस पे ध धनुष रीड करना है। ध धनुष, ध धनिया, ध धक्का, और देखिए बच्चों ध धन, ध धन, ध धनुष, ध धनिया, ध धक्का। बच्चों अब हम व्यंजन ध लिखना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी पेंसिल दूसरी लाइन की डॉट पे रखनी है और एक छोटा सा वक्र बनाना है। इसके बाद आपको यहीं से ही अर्धगोला बनाना है तीसरी लाइन तक, और इसके बाद आपको एक और अर्धगोला बनाना है चौथी लाइन से छूते हुए ऊपर तीसरी लाइन तक। इसके बाद आपको बच्चों दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक एक सीधी रेखा बनानी है और ऊपर एक शीरो रेखा बनानी है। तो बच्चों व्यंजन ध इस तरह से लिखा जाता है। एक बार और लिखना सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको अपनी पेंसिल दूसरी लाइन की डॉट पे रखनी है और एक छोटा सा वक्र बनाना है, और यहीं से ही एक अर्धगोला बनाना है तीसरी लाइन की डॉट तक। और बच्चों अब आपको तीसरी लाइन से चौथी लाइन तक एक और अर्धगोला बनाना है। इसके बाद बच्चों आपको दूसरी लाइन से चौथी लाइन तक एक सीधी रेखा बनानी है और ऊपर एक शीरो रेखा बनानी है। देखिए बच्चों व्यंजन ध इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों आपको व्यंजन ध लाइंस पे प्रॉपर लिखना है और डॉट्स पे प्रॉपर बनाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन न लिखना सीखेंगे। ओके, आज का आपका होमवर्क है व्यंजन द ऑन पेज नंबर 63 इन योर वर्कबुक 2। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।